इस बार दिवाली तो सबने खुशियां मनाई ही, लेकिन दिवाली से अगले दिन मौसम बिल्कुल साफ देखकर सभी की खुशियां और दुगनी हो गई। चारों ओर धुएं का नामो निशान तक नहीं था और मौसम विभाग खुशनुमा था, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन द्वारा पटाखों पर लगाई गई सख्ती आखिर काम आ ही गई। पिछले वर्ष की तुलना में पहले दिवाली से अगले दिन धुएं का गुब्बारा देखने को मिलता था, यहाँ तक कि सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। खुशी जाहिर करते हुए लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन ने ये घोषणा की थी कि 10 बजे के बाद कोई भी पटाखे नहीं चलाएगा और जो चलाएगा उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसका असर युवाओं पर देखने को मिला। यही जिला प्रशासन ने ग्रीन दिवाली मनाने में युवाओं को प्रेरित किया था। यही वजह है कि पहले की तरह दिवाली से अगले दिन सोलन में प्रदूषण देखने को नहीं मिला। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में दिवाली से अगले दिन आसमान में धुआं ही धुआं छाया होता था, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता था। यहाँ तक कि बिजली बहुत कम जाया करती थी, लेकिन साफ और प्रदूषण मुक्त दिवाली की ओर जिला प्रशासन ने बल दिया, जिसमें वह आज कामयाब दिख रहा है, जिसकी सभी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम अभी और सख्ती से उठाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर थे उसका काफी सम्मान रहा, पर इक्का दुक्का जगह लोगों ने उसके बाद भी कोशिश की, मगर बहुत अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का यहाँ पे सम्मान रहा और प्रदूषण आज जो है उस वही है वजह कि बहुत कम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है और मौसम बिल्कुल साफ है। सरकार के दिए गए आदेशों की सोलन नगर निवासियों ने पूर्ण रूप से पालना की है। जैसे आदेश उन्होंने किए थे कि 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जाएं, तो इसमें मैक्सिमम लोगों ने इसका पूरा सहयोग किया है इसके अंदर, और शहर निवासियों ने, नगर निवासियों ने, बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने इसमें बड़ा सहयोग किया। कम से कम पटाखे शहर में चले और पॉल्यूशन मुक्त दिवाली सोलन शहर में मनाई गई। मैं इसके लिए सरकार का बड़ा धन्यवादी हूँ कि इसमें और कंट्रोल जितना हो सके। जैसे कि कल दिवाली का त्यौहार था, बड़े हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार सोलन शहर में मनाया गया और काफ़ी रौनक बाजार में देखने को मिली, और हर्ष वर्ष की भांति इस वर्ष भी त्यौहार में काफ़ी नई चीज़ें नजर आई। जैसे कि माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि पटाखे 8 से 10 के बीच चलाए जाएं, उस ऑर्डर का पूरा सम्मान किया गया और पोल्यूशन फ्री दिवाली मनाएगी